ओके दोस्तों, हम लोग स्विट्जरलैंड से निकल के अभी जा रहे हैं इटली। तो ये है हमारा बस आ गया है, तो चलते हैं। यहाँ पे अभी रुके थे 5 मिनट के लिए, ब्रेक था, और अभी जाएंगे ये मिलान है और आगे जा रहे हैं हम इटली रोम। रोम आने के लिए पूरी नाइट की जर्नी है और हम लोग उतरे हैं। ये जो पीछे मेरा पीछे देख रहा है उस स्टेशन का नाम ऑटो स्टाइजोन ट्रेबूट। आ चुके हैं इटली की हिस्टोरिकल सिटी रोम में, और रोम वैसे ही बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये पुरानी सिटी है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रोम। और स्टे की बात करें तो यहाँ पे ये बिजी सिटी है क्योंकि ये टूरिस्ट सिटी है, तो हमने एयरबीएनबी ऑप्शन चूज़ किया है जिसकी वजह से इजी ऑप्शन है, और पास में ही जो बिल्डिंग है वही हमारा स्टे है। रोम में आके सबसे पहले हमारा काम है कि हमारा रूम, तो एयरबीएनबी से हमने पहले से ही बुक कर लिया था, और यहाँ पे अच्छा ये रूम है, किचन भी है, बाथरूम भी है, और यहाँ से लोकेशन जो है वो बस पास में ही है, तो बस की कनेक्टिविटी अच्छी थी तो हमने यहाँ से ही ले ली बसें, तो ये रूम भी अच्छा था। और कभी भी अगर आप रूम ले रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप आपके घर के पास हो, वो अच्छा है। रोम का यह रूम पूरा ऑथेंटिक तरीके से सजाया हुआ था। यहाँ की लिखावट, पेंटिंग्स, बुक्स बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही गुड वाइब्स आ रही थी, जैसे कि हम हमारे घर पे ही हो और यहाँ ही कई दिनों से रह रहे हो। रोम में घूमने के लिए आपको सबसे पहले डे पास की ज़रूरत है, वो बस ट्रेन ट्राम में चलता है, तो सेवन यूरो का ये डे पास है, 24 आवर चलता है, तो आप पहले ये कलेक्ट कर ले, उसके बाद ही आप कोई भी बस में या ट्रेन में बैठ सकते हैं। अभी बस में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं कोलोसियम। बस की कनेक्टिविटी थोड़ी ऑकवर्ड है, आप समझिए, और आराम से जो आपका नंबर की बस है, कौन सा रूट है, या आप वन वे ये वे में चले गए तो भी गलत हो जाएगा, तो बस वही है अभी फर्स्ट अट्रैक्शन कोलोसियम। कोलोसियम को विजिट करने के लिए टिकट ज़रूरी है, लेकिन हमें तो नहीं मिली। यहाँ अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, और ऑनलाइन पे भी अगर आप जा सकते हो चाहिए तो, अभी भी ऑनलाइन हमें तो नहीं ही मिली, बहुत ही पहले से बिक जाती है, तो आप देख लीजिए कि आपको कब चाहिए और कैसे आना है, वैसे आप पहले से ही कोलोसियम की टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे जिनके पास टिकट है उनकी भी बहुत ही लंबी लाइन थी। ये जो पूरी भीड़ लगी हुई है वो पूरी कोलोसियम जाने के लिए है, इन सबके पास टिकट है। हम तो आगे चले, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस में ही पूरे अट्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम गए रोमन फोरम। ये एक व्यापार का केंद्र था उस जमाने में, तो यहाँ पे चल के और पुरानी हिस्ट्री देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। रोमन हिस्ट्री सबसे पुरानी है, और मेरे पीछे जो बिल्डिंग से है वो उनके ही एक नमूने हैं। यहाँ पे अभी ये लोग रिनोवेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है अपनी संस्कृति को संभाल के रखना। विटोरियानो में विक्टर इमोनियल 2 की गुड़ सवारी की मूर्ति है, और कार्डिग्रास पर सवार देवी विक्टोरिया की 2 मूर्तियां हैं, और ऊपर से जो सिनेमेटिक व्यू आता है वो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे होप ऑन होप ऑफ बस भी चलती है जिसे आप इजी ट्रैवल कर सके, और पिज्जा ये तो यहाँ की फेमस और लोकल डिश है। अगर आप इटली आए हो और पिज्जा नहीं खा रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत पूछने के बाद वेगन नहीं वेजिटेरियन पिज्जा मिला है। और एक और एक यहाँ की डिश है, इसका नाम है कानोलो, ये पिस्ता है, चीज़ है, और डो का बना हुआ ये रैप है, और नॉर्मल कॉफ़ी, तो ये है ट्रेडिशनल फूड यहाँ का। अठारहवीं सदी का यह ट्रेवी फाउंटेन
एक लड़की की वजह से खोजा हुआ है। यहाँ पहले पानी का स्रोत मिला था, बाद में इसे फाउंटेन में कन्वर्ट किया गया है और बहुत सारी भीड़ लगी रहती है लोगों की यह देखने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत है। वो सामने जो दिख रहे हैं वो है स्पेनिश स्टेप। ये बहुत ही पुराने हैं तो लोग यहाँ उनको देखने के लिए आते हैं। इन पे खाना पीना बैठना अलाउड नहीं है, बस पिक्चर लेते हैं लोग और आगे बढ़ जाते हैं। अभी बहुत सारी भीड़ है। अभी मैं जा रही हूँ वाटिकन सिटी। रोम के अट्रैक्शन बस वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, एक दिन में आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन वाटिकन सिटी जाने के लिए आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो ये वर्ल्ड की और यूरोप की भी सबसे छोटी कंट्री है और इंडिपेंडेंट है, तो चलिए देखते हैं। अभी मैं खड़ी हूँ इटली में और बस ये गेट पार करके मैं चली जाती हूँ वाटिकन सिटी में। तो चलिए हैव अ लुक। ये जो स्क्वायर है उसे वाटिकन स्क्वायर कहते हैं। मेरे सामने ही है बेसिलिका सेंट पेट्रियो जो एक चर्च है। यहाँ बहुत लोग चर्च में प्रेयर करने के लिए आते हैं। हम यहीं तक रुके हैं, आगे कैमरे अलाउड नहीं हैं तो प्रेयर करने जाते हैं। और इसके बाजू से ही बाहर निकले तो वहाँ पे म्यूज़ियम है। वाटिकन सिटी बस 1 किलोमीटर से भी कम एरिया में आई हुई है, तो इसीलिए शायद इसे वाटिकन सिटी सबसे छोटी सिटी में माना जाता है।